Good morning to all. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. Exercise 7.3 of chapter integration. The topic is integration using trigonometric identities. I hope आपने सारी trigonometric identities अब तक revise कर ली होंगी. वैसे मैंने आपको कहा है कि आपको कुछ दिन तक, 5-7 दिन, 10 दिन तक, जब तक आपको अच्छे से याद नहीं जाती, मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक बार गो थ्रू करनी है. शीट बना लो, एक शीट बना के एक बार सुबह देख ली, एक बार शाम को देख ली. कम से कम 8-10 दिन तो ऐसा करना है. एटलीस्ट ये एक्सरसाइज चल रही है जब तक तो करना ही है ना. क्वेश्चन नंबर 8. बिकॉज बिना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के मैं आपको जो भी सिखा रहा हूँ ना, वो आप सीख नहीं रहे हो, वो आप रट रहे हो. अभी मैं बता दूंगा ये ऐसे होगा, तो आप अभी अभी के लिए रटोगे उसको, ठीक है, बाद में वो सब भूल जाओगे. और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अगर आपको आती है और फिर मैं बता रहा हूँ तो आप फिर सीख रहे हो. तो वेरी इंपॉर्टेंट कि इस एक्सरसाइज में आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आनी चाहिए. मैं एक बार ही बता सकता हूँ, बाकी काम आपका है उसको बाय हार्ट करने का, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 इज 1 cos x / 1 cos x (dx). देखिए 1 cos x / 1 cos x ऐसा है. इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आ जाए, जैसे ये वाला भी इसी टाइप का क्वेश्चन है. चेक करो, ये वाला भी लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन है. इस तरह के क्वेश्चन जब भी आ जाए तो हम क्या करेंगे, जो इसमें से cos x है ना, जो इसमें से cos x है उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे, मतलब उसको आधा एंगल बनाएंगे. हाँ, अगर ये डबल है तो सिंगल हो जाएगा, सिंगल है तो हाफ हो जाएगा, 4 times है तो 2 times, कुल मिला के एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा. अब हाफ कैसे करते हैं, तो देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी है cos 2x = ये तीन आइडेंटिटीज में टूटती है, cos²x - sin²x, दूसरी 2 cos²x - 1, तीसरी 1 - 2 sin². और 10 में भी टूटती है, बट 10 की यहाँ पे जरूरत है नहीं, ठीक है. तो अब इसमें से किसी भी एक आइडेंटिटी में अपने को तोड़ना है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन. आप ही चेक करो, यहाँ पे 2x था, आप 2x था तो यहाँ पे एंगल x आ रहा है, मतलब हाफ एंगल में चेंज हो रहा है. तो सपोज करो वहां पे एक्स होगा, वहां पे एक्स होगा तो इसके आरएचएस में फिर एंगल क्या बन जाएगा, x/2 बन जाएगा, हाफ हो जाएगा. जब 2x था तो x बन रहा था, तो x होगा तो क्या बन जाएगा, x/2 हो जाएगा. ये चीज समझ में आई सबको, बोलो ये चीज समझ में आई सबको. ओके, अब देखो 1 cos x को किसमें चेंज करोगे. देखो cos, अब मैं हाफ एंगल वाली आइडेंटिटीज लिख देता हूँ एक बार, है ना, ये वाली और ये वाली आइडेंटिटी में हाफ एंगल में चेंज करके बता रहा हूँ. तो cos 2x की जगह मैं लिख देता हूँ x, ये वाली आइडेंटिटी लिखो तो ये हो जाता है 2 cos² x की जगह हो जाएगा x/2 - 1, या फिर दूसरी आइडेंटिटी हो जाएगी cos x की 1 - 2 sin² x/2. देखो यहां से इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये उधर जाके 1+ हो जाएगा, और यहां से इसकी वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहां लिख देता हूं 1 cos x. अब आप डिसाइड करो कि देखो एल न्यूमरेटर में तो है 1 cos x, तो 1 cos x की जगह इसकी वैल्यू ये चीज रख सकते हो आप 2 sin² x/2, और 1 cos x की जगह क्या लिख सकते हो 2 cos² x/2. इज दैट क्लियर. 1 cos x की जगह क्या लिख सकते हो 2 sin² x/2, और 1 cos x की जगह क्या लिख सकते हो 2 cos² x/2. ये चीज अच्छे से सबको समझ में आ गई, बोलो बताओ. यस सर. ठीक है, चलो तो बस फिर समझ में आ गई तो अब तो बस राइट डाउन करो, अब इसके आगे कुछ इसमें बचा नहीं है. और ये वाली आइडेंटिटी शायद अपन ने डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में भी कई बार यूज करी. 1 cos x क्या हो जाएगा 2 sin² x/2 डिवाइडेड बाय 1 cos x क्या हो जाएगा 2 cos² x/2 इंटू dx. देखो 2 से 2 खत्म, ये हो चुका है 10 square x/2 इंटू dx. अब 10 स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रल पता नहीं है, तो पहले भी कई बार किया हमने ये काम, क्या कर देंगे इसको sec स्क्वायर में चेंज कर देंगे. तो 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो इट विल बी sec² x/2 - 1 इंटू dx. अब क्या है, इसका अलग इंटीग्रल कर दो, उसका अलग इंटीग्रल कर दो, तो sec स्क्वायर इधर ऊपर सॉल्व कर देता हूँ. sec² x/2 का इंटीग्रल क्या होगा, 10 x/2
और x by 2 के डेरिवेटिव से डिवाइड करना होगा, x by 2 का डेरिवेटिव होता है हाफ, तो हाफ से हमको डिवाइड करना होगा, माइनस 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x प्लस सी। अगले स्टेप में 1 by 2 को ऊपर भेज देंगे, सो इट विल बी ऊपर जाके 2 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इज, द फाइनल आंसर इज 2 tan x by 2 माइनस x प्लस सी। मैच द आंसर फ्रॉम द आंसर की फटाफट बताओ, कोई डाउट हो तो। तो असली चीज तो ये थी कि यहां से यहां कैसे हमने कन्वर्ट किया, बाकी सब तो कर चुके हैं, 7.1 में भी कर चुके हैं, 10 स्क्वायर को sec स्क्वायर में बदल के ये सारा काम हम कर चुके हैं। बस मेन चीज थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये वाली यूज करके कैसे। तो आपको एक चीज याद रखनी है ना, हाफ एंगल में चेंज करना है, हाफ एंगल, तो एक्स का हाफ क्या हो जाएगा, एक्स वाई को। बोलो कोई डाउट, आंसर मैच कर गया आंसर की से? यस सर। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। जैसा कि मैंने कहा कि सेम उसी कैटेगरी का है, अब लेकिन देखो यहाँ पे तो 1 माइनस लिखा हुआ था, यहाँ पे 1 प्लस लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे ऊपर ना तो 1 माइनस लिखा हुआ है और ना ही 1 प्लस लिखा हुआ है, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी और बनती है, cos x is equals to cos square x by 2 minus sin square x by 2, we will use that identity, है ना, ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो देखो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये नीचे वाला तो वही सेम कन्वर्ट होगा जैसे पिछले 8वें क्वेश्चन में कन्वर्ट हुआ, 1 प्लस cos x की वैल्यू जो यहाँ लिखी थी वो की वही यहाँ लिखेंगे, बस जो ऊपर सिंगल cos x है उसके साथ ना तो 1 प्लस है ना 1 माइनस है, तो उसमें फिर हम अब की बार न्यूमरेटर में ये चीज लिखेंगे, ठीक है। तो cos x की जगह लिख दिया हमने cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2 डिवाइडेड बाय, और 1 प्लस cos x में पिछली बार क्या लिखा था अपन ने, 2 cos स्क्वायर x by 2, वो सेम टू सेम लिख देंगे एज इट इज इंटीग्रेशन dx। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, बोलो बेटा यहां तक कोई दिक्कत है? नो। अब क्या करेंगे, जस्ट डिवाइड इट, इसको इससे डिवाइड कराओ और इसको इससे डिवाइड करो, डिवाइड करा के दो टर्म्स में कन्वर्ट कर दो और काम हो जाएगा। तो देखो पहली टर्म क्या बनेगी, cos square x by 2 को 2 cos square x by 2 से डिवाइड करेंगे, तो cos square x by 2 cos square x by 2 कट जाएगा और ये केवल 1 by 2 रह जाएगा, माइनस इधर आ जाओ sin square x by 2 को 2 cos square x by 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 by 2, और sin by cos क्या होता है 10, तो इट विल बी 10 square x by 2, इस पूरे के आगे लगा दो dx इंटीग्रेशन। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, नो? नो सर। ओके अब क्या बचा, 1 बाय 2 का इंटीग्रल कर दो। अच्छा एक चीज और बच गई, 10 स्क्वायर का हमको करना नहीं आता तो उसको पहले sec स्क्वायर में चेंज कर देते हैं, चलो है ना, फिर एक साथ इंटीग्रेशन लगाएंगे पूरे पे। तो 1 बाय 2 एज इट इज माइनस 1 बाय 2 एज इट इज, 10 स्क्वायर x बाय 2 को मैं वही सेम जैसे पहले किया, sec स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, ठीक है, इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा हाफ माइनस हाफ sec स्क्वायर बाय 2 sec स्क्वायर x बाय 2, और माइनस हाफ इंटू माइनस 1 विल बी प्लस हाफ डी एक्स। अच्छा ये हाफ एंड हाफ मिलके 1 हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, 1 माइनस हाफ sec स्क्वायर x बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स। अब आप इंटीग्रेशन अप्लाई करो, 1 का इंटीग्रेशन x हाफ एज इट इज, sec स्क्वायर x बाय 2 का वही जैसे पहले किया 10 x बाय 2, और हाफ से नीचे डिवाइड भी होगा तो ये हाफ से हाफ कट जाएगा प्लस सी। तो फाइनल आंसर इज x माइनस 10 x बाय 2 प्लस सी। प्लीज मैच द आंसर फ्रॉम द आंसर की और बताओ कोई दिक्कत हो तो। सर हाँ बोलो प्यार। सर यहाँ पे अपन ऊपर 2 cos square x by 2 minus 1 भी तो लगा सकते थे, 2 cos square x by 2 minus 1 भी लगा सकते थे, बिल्कुल 1 minus 2 sin square x by 2 भी लगा सकते थे, कुछ भी लगा सकते थे, दोनों में से आंसर आ जाता, उसमें भी फिर हम आगे चल के क्या करते थे, डिवाइड करते थे, आंसर उससे भी आता। बट cos x को अगर सिंगल लिखा हुआ हो तो देखो यहाँ तो हो रहा है काम, आगे चल के पता है क्यों नहीं होगा, तब नहीं होगा जब cos x डिनोमिनेटर में। क्या क्या है कि 1 प्लस cos x सिंगल टर्म में चेंज हो रहा है, 1 प्लस cos x सिंगल टर्म में चेंज हो रहा है, और cos x कैसे भी कन्वर्ट कर लो डबल टर्म में चेंज होगा, तो
तो डबल को सिंगल से डिवाइड करना आसान है। अब चाहे से आप इसको cos square x by 2 minus sin square x by 2 करके डिवाइड करो, चाहे से आप इसको 2 cos square x by 2 minus 1 करके डिवाइड करो तो भी डबल से सिंगल डिवाइड हो जाएगा, और चाहे से आप इसको 1 minus 2 sin square x by 2 करके डिवाइड करो तो भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर ये उल्टा होता, ऊपर तो आता सिंगल नीचे आता डबल, तो वो डिवाइड नहीं हो पाता, वो डिवाइड नहीं हो पाता। तो उस केस में आप cos x को अगर 1 minus 2 cos square x by 2 या 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू या 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 लिखते तो वो सॉल्व नहीं हो पाता, उस केस में आपको उसको यही लिखना पड़ता। तो इसीलिए मैं आपको अभी से याद करवा रहा हूँ कि कोस एक्स सिंगल आए ना तो आप इसी में चेंज करो, उससे ज्यादा फायदा है अगर डबल एंड सिंगल का कॉम्बिनेशन है तो। अभी आएगा आगे क्वेश्चन, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, उससे भी सेम आंसर आएगा। ठीक है? यस सर। एनी अदर क्वेरी फ्रॉम एनी अदर स्टूडेंट? बोलो तनिषा, समझ आ रहा है? कनिष्का, प्रियांशी शर्मा, मनीष? यस सर। ठीक है, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन टू द पावर 4x, हाँ साइन टू द पावर 4x। अब देखो यहां से हर एक क्वेश्चन में आपका ओपिनियन पूछूंगा कि क्या करना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन ये 22 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन के अलावा कोई 23 का क्वेश्चन भी तो आ सकता है बोर्ड एग्जाम्स में, है ना, कहां से भी उठ के आता है वहां से। तो अल्टीमेटली तो आपको दिमाग लगाना है कि क्या करना है। तो अब देखते हैं आपकी माइंड कितनी डेवलप हुई है ना। तो साइन टू द पावर 4x कैसे आगे चलें, ये तो पता चल चुका है कि पावर 4 से तो हमारा काम चलेगा नहीं, पावर 4 को तो हमको लीनियर में तो चेंज करना ही पड़ेगा। पावर 4 से लीनियर तक कैसे पहुंचा जाए, बोलो सर। पावर 4 को ब्रेक कर देंगे। कैसे ब्रेक इट इन टू व्हाट? साइन क्यूब एक्स और साइन एक्स में। साइन क्यूब एक्स और साइन, यानी आपको सब्सटीट्यूशन पे नहीं, लेकिन फिर साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स करने से कोई फायदा नहीं है। या तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स करो। अगर आप सब्सटीट्यूशन पे जाना चाहते हो देन यू कैन डू वन थिंग कि इसको साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख दो, फिर किसी भी एक साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख दो, ठीक है, लेकिन उससे भी काम चलेगा नहीं, काम चलेगा नहीं, क्योंकि अगर आप cos x को t लिखोगे तो sin x dx को कैंसिल हो जाएगा, एक sin x फिर बच जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप ऐसे करोगे तो 1 minus sin square x अलग लिखो, sin square x, और cos square x into sin square x अलग लिखो, sin square x cos square x, ठीक है। फिर आपको sin square x का तो अलग चलाना पड़ेगा, sin 2x में कन्वर्ट करना, sin square x को वही जो अपन ने देखा था ना cos 2x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, और साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का आपको 1 बाय 2 और 2 से मल्टीप्लाई करके साइन 2x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है ना, एस भी कर सकते हो, बट हाँ बोलो। सर यहाँ पे अपन साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा ना। साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे कैसे? साइन स्क्वायर का अगर आप होल स्क्वायर कर भी दोगे फिर आप टी किसको लोगे, कॉस को या साइन को, ये बताओ। फिर जैसे 1 माइनस को स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर आएगा, फिर 1 माइनस को स्क्वायर एक्स को टी ले लेंगे। एक मिनट, साइन स्क्वायर एक्स का हो, अच्छा आप सब चेंजेस कुछ और बता रहे हो ना, साइन टू द पावर 4x को कुछ और में चेंज करके बता रहे हो या इसी स्टेप में बता रहे हो कहीं, ये बताओ पहले। सर साइन टू द पावर 4 को कुछ और करके। हाँ वो तो मैं भी बता रहा हूँ ना, साइन टू द पावर 4x को कुछ और करके करेंगे तो मेरे हिसाब से थोड़ा आसान लगेगा, बाकी ये भी तरीका भी गलत नहीं है जो आप कर रहे हो, ठीक है ना। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, साइन स्क्वायर एक्स को अलग से करना आता है, ऊपर करके बताया मैंने साइन स्क्वायर एक्स को, शायद कल भी करके बताया था, एग्जांपल में भी करके बताया था, इसको उस तरीके से कर दो। और साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स को देखो यहीं कहीं करके इसको भी बताया था, तो उसको अलग तरीके से कर दो, दोनों को माइनस कर दो, ये तरीका। अब डिफरेंट तरीका भी ट्राई करते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि साइन टू द पावर 4x dx को हम साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करें इंटू dx। अब साइन स्क्वायर एक्स को अपन 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स कर दें। अब अपन ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दें, तो ए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 ए बी दैट इज 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस टू द पावर 4x। बट इससे क्या हुआ, इससे कोस टू द पावर 4x बन गया। नेक्स्ट व्हाट, नेक्स्ट व्हाट सर, यहाँ पे जो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स है ना, इसको टी मान लेंगे। 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को टी मान लेंगे, अगर 1 माइनस
कॉस स्क्वायर एक्स को टी मान लिया तो माइनस टू कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स दैट इज प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आया। अब क्या करें? अच्छा इसको साइन टू एक्स भी लिख सकते हो चाहो तो, साइन टू एक्स डी एक्स डी टी आ गया। अब क्या करें सर? फिर ऐसे नहीं हो सकता क्या कि टी का स्क्वायर आ जाएगा और उसका कर लेंगे फिर डायरेक्ट लास्ट में dx को कैसे एलिमिनेट करोगे बेटा? dx के साथ कुछ मल्टीप्लाई करके dt भी तो बनाना है या सब्स्टिट्यूशन तो हर जगह हो जाएगा, दैट इज फाइन। dx को एलिमिनेट करना है ना, dx के साथ sin 2x मल्टीप्लाई हो रहा है वो कहीं नहीं दिख रहा है इधर, या फिर खोल के देखें तो dx के साथ sin x भी मल्टीप्लाई हो रहा है cos x भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी कहीं नहीं दिख रहा है। देखो तो इसके आगे हम अभी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, 1 माइनस cos स्क्वायर x को लीनियर एंगल में लीनियर टर्म में कन्वर्ट करो ना, अभी ये क्वाड्रेटिक है तो 1 माइनस cos स्क्वायर x को अगर मैं cos 2x वाले फॉर्मूले में चेंज करना चाहूं तो क्या होगा बताओ? 1 माइनस x बाय 2 क्या 2 sin स्क्वायर बाय 2 sin x बाय 2 या sin स्क्वायर x बाय 2? देखो यहां देख लो आराम से, देखो cos 2x क्या होता है, cos स्क्वायर की फॉर्म में क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस वाई, ये होता है। तो यहां से आपको cos स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए एक तरीके से यूं मानो, तो cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाती है 1 प्लस cos 2x बाय 2, और अब आपको 1 माइनस cos स्क्वायर x चाहिए तो 1 माइनस अगर मैं यहां लगा दूं तो इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस cos 2x बाय 2 व्हिच इज फाइनली 2 1 जा 2 2 माइनस 1 2 1 जा 2 माइनस वन फिर माइनस कॉस एक्स तो वन माइनस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू ये हो जाएगा फाइनली। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं ये लिख सकता हूँ ना, वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू, इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ बोलो समझ आया? तो उससे क्या हुआ ये स्क्वायर हट गया सिंगल एंगल में चेंज। देखो ध्यान से कॉस टू एक्स आइडेंटिटी होती है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, वहां से मैंने पहले तो cos स्क्वायर x निकाला तो वो आया 1 प्लस cos 2x by 2, और ये तो डायरेक्ट याद भी करवाया मैंने कि cos स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस cos x cos 2x by 2 होता है, लेकिन मुझे वहां पे 1 माइनस चाहिए तो 1 माइनस यहां पे लगा दिया तो 1 माइनस यहां पे भी लगाना पड़ेगा, इसको सॉल्व किया जब हमने तो इट इज 1 माइनस cos 2x by 2 ठीक है। अरे एक्चुअली देखो फालतू लंबा कर रहे हैं, पता है क्या था, फालतू ही लंबा कर रहे हैं, ये स्टेप की भी क्या जरूरत थी, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू होता है ना वन माइनस कोस टू एक्स बाई टू, साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है वन माइनस कोस टू एक्स बाई टू होता है, यस और नो? इसका स्क्वायर करो। यस सर। ठीक है अब आप इसको होल स्क्वायर को सॉल्व करो तो देखो वन नीचे तो फोर आ जाएगा ना, और वन माइनस कोस टू एक्स का होल स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, cos 2x 2a भी करोगे तो 2 into 1 into cos 2x and 2 cos 2x plus cos 2x का स्क्वायर, cos 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2x ठीक है into dx। अब देखो यहां से 1 by 4 का इंटीग्रल आसान है और इसका मतलब इस 1 by 4 सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, अब वापस कौन फंसेगा cos स्क्वायर 2x, अगेन इसको चेंज कर दो सिंगल एंगल में क्या फर्क पड़ता है, देखो इतना कर दिया होगा आपने, इसको डिलीट कर देता हूं, अगेन वी विल चेंज इट इनटू द सिंगल एंगल, कैसे सिंगल एंगल का मतलब सॉरी लीनियर एंगल है ना, अभी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है इसको लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाएंगे तो 1 माइनस 2 कॉस 2x में नो चेंज, अब आप देखो कॉस स्क्वायर 2x, व्हाट इज कॉस स्क्वायर x, व्हाट इज कॉस स्क्वायर x, इट इज 1 प्लस कॉस 2x बाय 2, यस और नो? cos square x क्या होता है 1 plus cos 2x by 2 होता है, बोलो होता है, बोलो बच्चों। Yes sir। Okay। तो अगर यहां पे x की जगह 2x लिखेंगे तो वहां 2x की जगह 4x लिखना पड़ेगा, यस और नो? Yes sir। तो cos square 2x क्या हो गया 1 plus cos 4x by 2 हो गया, क्या हो गया प्लस, देखो इसका ये 1 बाय फोर तो मैं बाहर लगा देता हूँ ना,
ये जो फोर है ना इसको तो मैं बाहर इंटीग्रेशन के ले जाता हूँ, वन बाई फोर। अब नीचे ये फोर है नहीं, अब आप कोस स्क्वायर टू एक्स की आइडेंटिटी लिख दो, क्या है, वन प्लस कॉस फोर एक्स बाय टू डी एक्स। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, कंजस्टेड हो गया है तो बता दो, उसको दूसरी शीट में सॉल्व कर देंगे। समझ आ रहा है सब कुछ, बोलो। अब टू को एलसीएम ले लेंगे और फिर उसके आगे सब कुछ लीनियर में चेंज हो चुका है, सीधा इंटीग्रेशन लगा, ठीक है। ले लो टू को एलसीएम ले लो, ऊपर सॉल्व कर रहा हूं उसके बाद आना मैं, टू को एलसीएम लेके बाहर निकाल दो, तो वन बाई फोर तो ऑलरेडी बाहर था, टू और बाहर आ गया तो वन बाई एट बाहर आ गया। अब टू को एलसीएम लेंगे, टू वन जा टू, टू इंटू टू कॉस टू एक्स फोर कॉस टू एक्स, और ये सेम हो जाएगा वन प्लस कॉस फोर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। यहां सॉल्व कर रहा हूं अब, इक्वल टू वन बाई एट इंटीग्रेशन, देखो टू प्लस वन कर दो थ्री, तो इट इज थ्री माइनस फोर कॉस टू एक्स प्लस कॉस फोर एक्स। बताओ अब इसके आगे तो शायद ही कोई दिक्कत हो, सब कुछ लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज हो चुका है, नथिंग इज क्वाड्रेटिक, नथिंग इज क्यूबिक, नथिंग इज पावर फोर, तो लीनियर में तो हमको करने बड़ा मजा आता है। चलो थ्री का क्या हो जाएगा, थ्री एक्स फोर एज इट इज लिखो, कॉस टू एक्स का एंटी डेरिवेटिव विल बी साइन टू एक्स डिवाइडेड बाय 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस cos 4x का एंटी डेरिवेटिव इज sin 4x डिवाइडेड बाय 4x का डेरिवेटिव दैट इज 4 प्लस c, ठीक है। अब क्या बचा, थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम, बस और तो कुछ सॉल्व नहीं हो रहा। अब 1 बाई 8 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं कहां करूं, स्पेस नहीं बचा, यहां ऊपर लिख रहा हूं, देखो 1 बाई 8 इंटू 3x हो जाएगा 3x by 8 माइनस यह है 2 sin 2x, 2 sin 2x को 1 by 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 1, 2 से 4 टाइम्स कट जाएगा, तो 1 by 4 बच जाएगा, 1 by 4 sin 2x प्लस 1 by 8 को sin 4x by 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32, 1 by 32 sin 4x plus c, this is the final answer. मैच करो, मैच होता है कि नहीं होता है, बोलो बच्चों मैच हुआ, आंसर आंसर किसे मैच करो जल्दी से। यस सर करेक्ट करेक्ट, कोई डाउट नहीं है, समझ आया कैसे करना है। देखो हमारा टारगेट है उसको लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करना, हमारे पास शुरू में था पावर फोर, पावर फोर को ब्रेक किया पावर टू, पावर टू को लीनियर में कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे पास दो आइडेंटिटीज बिल्कुल रट लो, साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस टू एक्स बाई टू, कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस कॉस टू एक्स बाई टू, साइन स्क्वायर एक्स था तो 1 माइनस कॉस टू एक्स बाई टू था, लेकिन प्रॉब्लम इस टाइप की होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर किया तो अगेन एक स्क्वायर निकल गया, अब अगेन एक स्क्वायर निकल गया तो फिर से कन्वर्ट कर दिया, फिर से एक बार कन्वर्ट कर दिया, और सबको जब लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज हो गया तो लीनियर का इंटीग्रल करना हमको अच्छे से आता है, हमने 7.1 में कई बार किया। फिर तो ये यहां तक आने के बाद तो ये क्वेश्चन 7.1 का रह गया, कहां तक, यहां तक, यहां तक आने के बाद तो ये क्वेश्चन ही किसका रह गया, 7.1 एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, चलें आगे, 11th क्वेश्चन भी सॉर्ट ऑफ सेम थिंग है, फटाफट देखते हैं उसको भी, कर दूं डिलीट, बोलो डिलीट कर दें, बोलो बच्चों हो गया नोट डाउन, प्लीज स्पीड अप। प्रियांशी नोट डाउन हो गया, मनीष नोट डाउन हो गया,
यस सर। ओके टाइम क्या हो गया है 8:06। चलो एक क्वेश्चन और कर पाएंगे। 11th एंड 12th तो सेम टाइप का ही है, उसको होमवर्क दे देंगे। 11th देखो जल्दी से, अब इसी पैटर्न पे 11th है। cos टू द पावर 4 2x, सबसे पहले तो करो स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा इसको स्पीडली करेंगे, देखो इनटू dx, ये क्वाड्रेटिक है, चेंज इट इनटू द लीनियर। तो cos स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस, देखो cos स्क्वायर x होता है 1 प्लस cos 2x by 2, तो cos स्क्वायर x की जगह कल को 2x हो जाएगा, तो यहां 2x की जगह 4x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2x की वैल्यू 1 प्लस cos 4x by 2 है, 1 प्लस cos 4x by 2, लेकिन उसका होल स्क्वायर भी है, तो अगेन स्क्वायर निकल के आया, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकल के आया, 1 प्लस cos 4x by 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। पहले तो होल स्क्वायर कर दो, तो 1 by 2 का नीचे तो 4 लिख दो, या 4 को बाहर ही लिख देता हूं मैं, आती खत्म, 1 by 4 को बाहर ही लिख देता हूं, 1 by 4। अब 1 plus cos 4x का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 cos 4x, 2ab करोगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर करोगे तो अगेन cos स्क्वायर 4x होगा। तो अब एक बार फिर से चेंज करना पड़ेगा आपको लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, कहां करूं, यहां कर देते हैं, इक्वल टू 1 बाय 4 तो बाहर था ही सही, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 cos 4x प्लस cos स्क्वायर 4x है, देखो जब 2x था तो 4x बना, तो 4x है तो अब 4 2 जा 8x बनेगा, 1 प्लस cos 8x by 2 into dx। वही सेम पिछले क्वेश्चन की तरह 2 को एलसीएम लेंगे, बाहर निकालेंगे तो 1 बाई 8 तो बाहर आ जाएगा, और 2 1 जा 2 प्लस 2 cos 4x प्लस 1 प्लस cos 8x। देखो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, एक इसी स्टेप में कर देता हूं मैं इसको, क्योंकि स्पेस भी नहीं है, 2 प्लस 1 हो गया 3, यहां से हटा देता हूं उसको, 3 लिख देता हूं डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 cos 4x प्लस cos 8x into dx। ठीक है, एवरीथिंग हैज नाउ बीन कन्वर्टेड into लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसके आगे का काम सबको आता है, 1 बाई 8, 3 का हो जाएगा 3x, 2 एज इट इज, cos 4x का sin 4x तो होता है एंटी डेरिवेटिव, और 4x का डेरिवेटिव 4, ठीक है, और फिर आ जाओ आगे चलते हैं, प्लस cos 8x का एंटी डेरिवेटिव होता है sin 8x, और 8x का डेरिवेटिव होता है 8 प्लस सी, इसको काटूंगा 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम, और 1 बाई 8 बाहर बैठा है उससे मल्टीप्लाई करो, तो 1 बाई 8 इंटू 3x, इट इज 3x बाई 8 प्लस 1 बाई 8 इंटू 1 बाई 2, इट इज 1 बाय 16 साइन 4x प्लस 1 बाई 8 इंटू 1 बाई 8 इज 1 बाई 64 साइन 8x प्लस सी। This is the final answer. जल्दी से मैच करो पीछे आंसर किस है। तो इस टाइप के दो क्वेश्चन हो गए, तो अब मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी। अब एक 10 टू द पावर 4x भी देखो नीचे बैठा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? सर कंप्लीट मैच नहीं हो रहा है। क्या क्या डिफरेंस आ रहा है बताओ? 3x by 8 minus 1 by 4 sin 2x sin plus 1 by 32 and 2x आ रहा है। cos 4x को sin 4x में तो चेंज करेंगे। हाँ 3x by 8 minus आगे 1 by 4 sin 2x प्लस 1 बाय 32 साइन 4x। अच्छा मतलब 4x को उन्होंने 2x में चेंज किया है और 8x को 4x में चेंज किया है। देखो इसके आगे उन्होंने क्या किया है, 4x को तो चेंज किया है 2x में, 4x को तो चेंज किया है 2x में, और 8x को चेंज किया है किसमें, 4x में।
बट ऐसा क्यों किया है, इसमें क्या प्रॉब्लम? छोड़ो, आप तो मुझे एक चीज बताओ, इसका डेरिवेटिव करते हैं, 3x by 8 का डेरिवेटिव बताना क्या होगा? 3 by 8, हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं हमारा सही है कि गलत, 1 by 16, ठीक है। साइन 4x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos 4x, 4 cos 4x, राइट, प्लस 1 by 64 का डेरिवेटिव क्या होगा? वो तो खैर डेरिवेटिव तो ऊपर वाली चीज ही बन जाएगी वापस, है ना। साइन 8x का डेरिवेटिव क्या होगा? 8 cos 8x, तो ये हो जाएगा 3 by 8, 1 by 4 cos 4x और 1 by 8 cos 8x। सेम मैच कर रहा है ऊपर से, तो यानी कि इंटीग्रल करने में तो दिक्कत है नहीं। अब फंक्शन अगर अपन ने गलत कन्वर्ट किया हो तो वो देख लो, यहां से अगर मैं इसको वापस हाफ एंगल में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या करूंगा बताओ? साइन 4x को साइन 2x में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या करूंगा? 3x by 8 as it is. 2 into 2. हाँ, वही करना पड़ेगा, 3x by 8 plus 1 upon 16. Sin 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 sin 2x cos 2x plus 1 by 64 as it is. Sin 8x को क्या लिखूंगा? 2 sin 4x cos 4x. तो यहां से ये 2 से 1 टाइम और 2 से 8 टाइम्स कट गया, यहां से ये 2 से 1 और 2 से 32 टाइम्स कट गया, तो ये तो हो गया 1 by 8, ये तो हो गया 1 by 8 और वो हो गया 1 by 32, 1 by 8 और वो हो गया 1 by 32। आगे क्या रहा है पीछे आंसर? 3x by 8 आगे माइनस 1 by 4 sin 2x प्लस 1 by 32 sin 4x। माइनस 1 बाय 4 साइन 2x, वापस इसको साइन 2x और कॉस 2x में चेंज करें तो, इसको एज इट इज छोड़ दो और उसको वापस साइन 2x कॉस 2x में चेंज करें तो वहां से क्या बनेगा देखो। हाँ बताओ सर, वो आंसर सर मैं नेक्स्ट उससे पहले अरे अरे सही है ना ये आंसर, सही है। यस सर, यस सर। 3x by 8 plus 1 by 16 sin 4x plus 1 by 16 sin 8x plus c. Okay, fine. चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इलेवेंथ वाला किया ना अभी अपन ने, ट्वेल्थ वाला कैसे करेंगे जल्दी से बताओ? साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस एक्स, तो 1 प्लस कोस एक्स को तो जैसे अभी अपन ने पहले लिखा था, क्या लिखा था, क्या लिखा था? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है। और साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दूंगा बताओ? साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखूंगा? इसको भी हाफ एंगल में चेंज कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। देखो कैसे, देखो देखो कैसे, मेरे पास है साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो दोनों को अगर मैं हाफ एंगल में चेंज करूं तो साइन एक्स तो होता है 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, लेकिन स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। साइन एक्स को हाफ एंगल में कैसे चेंज करेंगे? 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स। और 1 प्लस कॉस एक्स को कैसे हाफ एंगल में चेंज करेंगे? अभी करके बताया था, बार बार इसलिए नहीं कर रहे हैं। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2।
आगे सब बोलो, यहां तक कोई डाउट? चेक करो यहां तक कोई डाउट। 1 प्लस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखते हैं, यस सर। ठीक, ओके। देखो साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। गलत कह रहे हैं ना, 2 साइन स्क्वायर एक्स तो 1 माइनस कॉस 2x हो, तो ये 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा मनीष, 2 कोस स्क्वायर होगा। चेक करो, देखो 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिखते थे अपन, कोस स्क्वायर को एक्स को अपन लिखते थे 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, राइट? तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा। आप सीधा सीधा याद करो ना, प्लस है तो कॉस आएगा, माइनस है तो साइन आएगा, ठीक है? ओके, अब देखो इसको अपन क्या करेंगे, होल स्क्वायर को सॉल्व करो इनटू डीएक्स। तो 2 का होल स्क्वायर इज 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है? तो ये हो जाएगा 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम, और कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 एज इट इज कट गया। तो बचाई मेरे पास क्या, 2 को बाहर ले लेता हूँ, 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो एक ही एंगल, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गया, और वो लेकिन स्क्वायर में है। स्क्वायर में तो कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे इसको लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करना आता है। साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस cos 2x लिखते थे, है ना, cos 2x लिखते थे, तो 2x किसका होगा, देखो हम करते थे 2x, लेकिन यहाँ पे x by 2 है, तो 2x by 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कटती है, x हो जाएगा, तो 1 minus cos x रह जाएगा केवल, 1 minus cos x divided by 2, और ये जो 2 था ये मैंने बाहर ले लिया है, sin square x by 2 हो जाएगा, 1 minus cos x divided by 2 into dx। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, ये 2 देखो, ये 2 से ये 2 कट गया एक तरीके से, तो ये केवल अपने पास बच गया 1 माइनस कॉस एक्स इनटू डीएक्स। अब तो बच्चा भी कर देगा, 1 का इंटीग्रल एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रल इज साइन एक्स प्लस सी। मैच करो पीछे से आंसर फटाफट। करेक्ट है, करेक्ट है। तो एक्चुअली देखो इंटीग्रल क्या किया अपन ने, इंटीग्रल केवल इसका किया, बाकी सब तो जो भी चल रहा था वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का सिंप्लीफिकेशन चल रहा था, ठीक है? तो कितने क्वेश्चंस कर लिए हमने, 12 कर लिए, काफी है क्या? चलो फिर बाकी कल ही कर। मुझे एक चीज बताओ, थोड़ा सा हिंट देके, कि 10 टू द पावर 4x का क्या करोगे? आपने sin टू द पावर 4x सीख लिया, आपने cos टू द पावर 4x भी सीख लिया, व्हाट अबाउट 10 टू द पावर 4x, इसका क्या करोगे? सर 10 को साइन बाय कॉस लिख देंगे। अच्छा 10 को साइन बाय कॉस लिख देंगे, तो ये हो जाएगा, मतलब आप साइन टू द पावर 4x को जैसे चेंज किया और कॉस टू द पावर 4x को जैसे चेंज किया, उसका फिर डिवीजन करोगे, राइट? ऐसे करोगे, उससे आसान तरीका नहीं होगा क्या? देखो 10 टू द पावर 4x को अगर मैं 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करूं, जैसे उनका कर रहे थे ना अपन साइन टू द पावर 4x और उनका, सेम वैसे ही अगर इसको सॉल्व करें तो कर पाएंगे क्या? अब 10 square x को क्या लिख सकते हो, 10 square x को सिंगल एंगल में चेंज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, तो 10 square x को आपको मजबूरी में क्या लिखना पड़ेगा, sec square x minus 1, बट उससे भी कुछ नहीं होगा, sec square x minus 1 से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि होल स्क्वायर है हमारे पास, है ना? हाँ, आप क्या कह रहे हो कनिष्का, कि इसको अपन क्या लिख देंगे, साइन टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय कॉस पावर 4x। अच्छा ठीक है, आगे बोलो सर। बस अब जैसे साइन और कॉस को किया था वैसे कर देंगे। अच्छा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है?
फिर आप साइन स्क्वायर एक्स को सिंगल एंगल में चेंज करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 होता है इसका होल स्क्वायर। देखो दोनों का होल स्क्वायर है तो मैं कंबाइन में होल स्क्वायर लगा दूंगा ना, और कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x बाय 2, 2 से 2 कटा, इस पूरे का होल स्क्वायर है ना dx। तो ये एक्चुअली क्या बच गया, 1 माइनस कॉस 2x बाय 1 प्लस कॉस 2x बच गया। अब 1 माइनस कॉस 2x बाय 1 प्लस कॉस 2x को क्या करेंगे, हमने ऊपर किया है एक जगह, देखो कहाँ पे किया है, 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन क्या था, 1 माइनस कॉस x बाय 1 प्लस कॉस x ही था, तो उसमें जो किया था वो का वही काम करेंगे, बोलो 1 माइनस कॉस 2x, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा क्योंकि होल स्क्वायर है। चलो आगे बताओ, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर आ गया, आगे बोलो व्हाट नेक्स्ट। वन माइनस कोस टू एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, तो वो तो फिर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर वापस भी बन जाएगा साइन टू द पावर 4x, उससे तो कुछ फायदा ही नहीं होगा ना, वहीं से तो बच के आए थे अपन। यस सर, वहीं से तो बच के आए थे, तो समथिंग एल्स हैज टू बी थॉट ऑफ। बोलो मनीष आगे, सबसे आसान तरीका इसका क्या होना चाहिए, बोलो मनीष, सर न्यूमरेटर को अपन चेंज कर सकते हैं सर, न्यूमरेटर को चेंज कर सकते हैं किस में, साइन की फॉर्म, और डिनोमिनेटर को एज इट इज, यस सर। अच्छा तो न्यूमरेटर को तो आप लिख दोगे 2 sin² x / 2, 2 sin² x हो जाएगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ दोगे तो उससे क्या होगा, सर 2 cos² x हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो बेटा वो तो सेम ही हो जाएगा ना, फिर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 cos² x / 2 से डिवाइड करोगे तो 10 square x by 2 और उसका होल स्क्वायर वापस 10 to the power, तो वो तो आपने जहां से शुरू किया वापस वहीं पहुंच जाओगे। यस सर, अगर आप वो तो कनिष्का भी बोल रही है ऐसे करो, बट उससे तो काम चल नहीं रहा ना, सर तो फिर इसको 10 में ब्रेक करेंगे, 10 cube x और 10x में, 10 cube x और 10x में ना, ब्रेक तो ये स्क्वायर में, 10 square x का होल स्क्वायर, हाँ इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, देखो जी 10 square x into 10 square x करो एक बार आप, 10 square x into, ये है ना ऐसे, इसको आप ब्रेक करो 10 square x into 10 square x, और एक 10 square x को तो एज इट इज छोड़ दो और एक 10 square x को sec square x में चेंज कर दो, कैसे देखो, 10 square x 10 to the power 4x is equals to 10 square x into 10 square x into dx। अब एक 10 square x को तो एज इट इज छोड़ दो और एक 10 square x को लिख दो क्या, sec square x माइनस 1, यहां तक कोई डाउट, नो सर। अब मल्टीप्लाई करो 10 square x into sec square x क्या होता है, 10 square x sec square x, और वो क्या हो जाएगा, सिंगल केवल 10 square x, कोई डाउट, बोलो, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने दोनों से, यहां तक कोई डाउट, नो सर।
अब वापस टेन स्क्वायर एक्स को चेंज कर दो, इस वाले टेन स्क्वायर एक्स को चेंज मत करो, यानी एक तो होगा सब्सटीट्यूशन से, दूसरा होगा विदाउट सब्सटीट्यूशन से, इसको तो एज इट इज। टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो बाहर माइनस साइन और लगा हुआ है, ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स प्लस वन। ठीक है, अब सुनो, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स माइनस sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मुझे पता है क्या होता है, tan x, मतलब ये dx यहीं पे खत्म हो गया, इंटू dx तो यहीं पे खत्म हो गया, इंटीग्रल बांट दिया मैंने ना, और उन दोनों का मैंने एज इट इज इंटीग्रेशन कर दिया, मुझे पता है sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x, और 1 का क्या हो जाएगा x। ठीक है, अब इसको अलग लेके जाके सॉल्व कर दो बाय सब्स्टिट्यूशन, इसको अलग लेके जाके सॉल्व कर दो, मतलब इस वाले पार्ट को अलग लेके जाके सॉल्व कर दो, और उन दोनों का एज इट इज हो ही रहा है तो उसमें दिक्कत है नहीं, इस वाले पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे अपन, तो क्या करेंगे, जस्ट टेक tan x इक्वल्स टू t, तो अगर मैं tan x की वैल्यू t ले लूं तो sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स हो जाएगा डी टी, तो ये वाला पार्ट चेंज हो जाएगा, ये वाला पार्ट चेंज हो जाएगा, इंटीग्रल tan x को t लिया था तो t स्क्वायर डी टी, और बाकी तो ऑलरेडी सॉल्व हो ही चुका है tan x प्लस x में, है ना, टी स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा t क्यूब बाय 3, अब सारा सॉल्व हो चुका है, माइनस tan x प्लस x सब सॉल्व हो गया, तो c लगा दो, t को क्या लिया था आपने tan x लिया था, तो इट इज tan क्यूब बाय 3 माइनस tan x प्लस x प्लस, मैच करो पीछे से आंसर, बोलो मैच कर रहा है, टेन क्यूब एक्स है वो ना, टेन क्यूब एक्स, यस सर, मैच कर गया ना, तो अब हमने साइन टू द पावर फोर एक्स को भी देख लिया, साइन टू द पावर फोर एक्स को क्या एज इट इज हाफ एंगल में चेंज हो जाएगा, कोस टू द पावर फोर एक्स को एज इट इज हाफ एंगल में चेंज हो जाएगा, बट टेन टू द पावर फोर एक्स हाफ एंगल में चेंज नहीं होगा, टेन के मोस्टली जितने भी क्वेश्चन हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में उसको आपको sec में चेंज करना ही पड़ेगा, तो 10 टू द पावर 4x को आपने 10 स्क्वायर x tan स्क्वायर x लिखा, एक को sec स्क्वायर x में चेंज किया, एक को एज इट इज रहने दिया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करते वो इस फॉर्म में आ गया कि एक तो सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है ये वाला, और वो वाला हम पहले कई बार कर चुके हैं sec स्क्वायर x में चेंज करके, sec स्क्वायर x में चेंज करके इतना पार्ट तो हमने यूं ही सॉल्व कर दिया और इसको सब्स्टिट्यूशन से कर दिया। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो काफी है फिर आज के लिए, कौन कौन से क्वेश्चंस कर लिए, कितने कर लिए हमने, अप टू क्वेश्चन नंबर 12 हमने कर लिए पूरे, एंड साथ में हमने क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लिया, 16 इसलिए देख लिया ताकि ये पावर फोर वाले सारे हो जाएं, पावर फोर वाले अब कोई नहीं बचे, तो बाकी के क्वेश्चंस फिर कल देखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।